नमस्कार, मेरा नाम है अभिनतो शांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फोटोन में। तो आज हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और ये इस सीरीज का छठवां वीडियो है। इसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं आएंगे और आप लोगों को जो है आगे की जो भी वीडियोस मिलेंगी वो पीवाईक्यूज मिलेंगी। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका एक नया सीरीज चालू होगा जहाँ पर छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाएं जैसे सीजी व्यापम हो गया, उसके बाद में पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, इन सारी की सारी जो है परीक्षाओं में जो पिछले सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं हम उनका एक अलग सीरीज बनाएंगे जहां पर इन्हीं टॉपिक्स में। लेकिन देखिए, आपको ये रहेगा कि फंडामेंटल्स आपको यहीं से मिलेंगे और उसके बाद में हम सिर्फ वहां पर एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा काम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कहता है कि कोई दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं हमारे पास में दो संख्याएं हैं x और y। अब इन दोनों संख्याओं का जो है जो LCM है और जो SCF है वो तो LCM जो है वो SCF का 20 गुना है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि L बराबर 20 गुना H, ठीक है। अब यदि LCM और SCF का योग 2520 है तो हमको क्या पता है, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है तो हम ये बोल सकते हैं L प्लस H बराबर 20H धन H, मतलब SCF है, L मतलब LCM है, 20H धन H मतलब यहाँ पर 21H मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि ये 21H नहीं है, ये है कितना, ये है 2520, ठीक है। अब ये कितने गुना ज्यादा है तो हम लोग जो है इसको 21 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 21 एकम 21 और 21 दुने 42 120 गुना। तो ये तो हमको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये करने के लिए हमको कैसे पता चलेगा भाई, तो ये जो है हमको अगर एलसीएम ही पता चल जाए तो एलसीएम कितना है भाई, 21 गुना ज्यादा मतलब 20 से भी 21 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 21 गुना ज्यादा तो 2 21 एकम 21 और 20 एकम 20 और 20 दूनी 40 मतलब 2400। ये हमको जो है दोनों संख्याएं मिल गई 2400, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमको क्या क्या पता चला है, ये हमारा एलसीएम है और एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ है हमारा, एच की वैल्यू हमको पता चल गई है 21, तो एचसीएफ भी हमारा जो है क्या हो गया, 21 ही हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हमारा 21 है, अब दो संख्याएं हैं तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ करने से हमारी पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या y के गुणनफल के बराबर होता है। ये मतलब ये है कि मैं यहाँ पर 2400 गुना 21 कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 गुना हमारा y। इस तरीके से हमको ये रिलेशनशिप समझ में आया। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हम 480 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कट गया 24 एकम 24 24 दूनी 48 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10/2 और ये 5 तो 21 पंचे होता है 120 है तो 120 पंचे होता है 12 पंचे 60 600 और ये हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं प्रोसेस बता दूं, हम लोगों ने ये जो रिलेशनशिप जो है देखा ये 20 गुना ज्यादा है, इससे हम लोगों ने क्या किया एससीएफ प्लस एलसीएम ये निकाला और हमको जो है इसके बाद में वो जो हमारा जो टोटल जो सम है उससे गुणा करने पे हमको ये 21 गुना ज्यादा मिला, ठीक है। और इसके बाद में 120 गुना ज्यादा मिला, ठीक है। और 120 गुना ज्यादा निकालने के बाद में हम लोगों ने एलसीएम भी निकाला, एससीएफ भी निकाला और फिर ये प्रॉपर्टी यूज करी कि एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इस तरीके से हम लोगों ने अपना उत्तर निकाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और देखिए अगले प्रश्न में क्या है।
अब 12 की गुणज दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम कितना है? 1056। पहली संख्या अगर 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब यहां पर क्या देख रहे हैं, 12 की गुणज है मतलब हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या 12x होगी और दूसरी संख्या 12y होगी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 12 से 12 के पहाड़े में आती है। अब क्या बोल रहा है कि उनका जो है एलसीएम, जब हमको एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, किसी भी संख्याओं का जो है जो भी कॉमन है वो बाहर निकाल देने से, इस तरीके से एक्स इंटू वाई कर देने से हमको एलसीएम मिल जाता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 1056 है, 1056। अब जो है अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए 1056 है तो पहले तो 12 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 12 अट्ठे छियानवे और फिर से 12 अट्ठे छियानवे मतलब 88 मिल गया यहाँ पर। तो ये 88 असल में है क्या, देखिए यहाँ पर से तो हम लोगों ने 12 का भाग दिया। अब हमारी हमारा प्रश्न बोलता है 132 जो है पहली संख्या है मतलब 12x की वैल्यू कितनी है, 132 है। अगर 12x की वैल्यू 132 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 88 है भैया, हाँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं x मतलब 11 गुणा y किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो y किसके बराबर हो गया, y हो गया 11 अट्ठे 88 मतलब 8 के बराबर। लेकिन हमारी दूसरी संख्या वो y नहीं है ना जी, दूसरी संख्या क्या है, 12y है। तो 12y मतलब 12 अट्ठे 96 और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा C, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, हम लोगों ने यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज की, LCM इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, जहां z क्या है, ये FCF है और एक्स वाई जो है ये दोनों संख्याएं हैं। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज की, ये इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 23 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा। अब गुणज का मतलब ये 23 के पहाड़े में ऐसा छोटे से छोटी संख्या आनी चाहिए जिसको हम 18 से 21 से और 24 से भाग देते हैं तो क्रमशः ये शेषफल बचता है। अब देखिए सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का जिनसे किसी दूसरी संख्या को हमको भाग देना है। तो ये क्या हो गया, देखिए 9 × 2 = 18 होता है, यहाँ क्या होता है 7 × 21 होता है और यहाँ मिलेगा हमको 8 × 24। अब बताइए कि यहाँ पर जो है 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात है 8, 3 की सबसे बड़ी घात है 9 और 7 की सबसे बड़ी घात है 7, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 8 × 9 × 7। अब इसका जो है आंसर क्या आता है, 8 × 9 × 7 मतलब यहाँ पर जो है हमको 9 × 8 = 72 और 72 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 7 = 549, ये हमारा उत्तर आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये प्रश्न ये बोल रहा है कि क्या ये संख्या को जो है अगर हम जो है हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम 18 से 21 से और 24 से भाग दें तो पूरी पूरी तरह कट ना जाए, मतलब वो संख्या हमको 504 नहीं चाहिए, अगर 504 ले लेंगे तो वो तो पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन शेष फल कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, 21 से भाग देने पर 10 बचना चाहिए और 24 से भाग देने पर 13 बचना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, देखिए 18 में से 7 घटाए तो हमको मिला 11, 21 में से 10 गया तब भी मिला 11 और 24 में से 13 गया तब भी मिला 11, मतलब हमको यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब प्रश्न ये भी बोलता है कि जो भी हमको संख्या मिलेगी वो 23 से पूरी तरीके से भाग हो जानी चाहिए, मतलब ये है कि पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये 23 से पूरी तरीके से भाग जाती है, हम यहाँ पर 23 से भाग देंगे और जब हम 23 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, शेष फल बचेगा कितना, 2। तो मतलब ये है कि अगर जो है इस संख्या को मैं 23 से भाग दूं तो 2 बचेगा, अगर मैं इस संख्या में 6 का गुणा कर दूं, 6 का गुणा करने का फायदा क्या है, देखिए आखिर में तो जो है शेष फल बचाने के लिए हमको 11 जोड़ना ही है, तो 21 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो बचता कितना है 12 और शेष फल 2 बच रहा है, मतलब मैं अगर उसका 6 गुना करता हूं तो शेष फल 12 बचने लगेगा, ठीक है।
और 12 में मैं जो है इन संख्याओं से जो है शेषफल जो बचाने के लिए 11 जोड़ूंगा तो वो पूरी पूरी तरीके से 23 बन जाएगा और मुझे जो है अपना उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 504 को 6 से गुणा किया। अब चलिए 6 से गुणा कीजिए पहले, तो 6 चौके 24 की 4 हासिल आई 2, 6 शून्य शून्य तो 2 और उसके बाद में 6 पंचे 30 मतलब 3024। ये 3024 ऐसी संख्या है जो जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हर बार जो है ये हमको जो शेषफल मिलना चाहिए वो शेषफल जो है अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे तो हमको यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और 3035 जो है हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है 3035। अच्छा यहाँ पर तो जो है जो शेषफल बचाना रहता है वो घटाते हैं ना भाई, तो घटाएंगे तो 4 में से 1 गया और हमको बचेगा 4 में से 1 गया तो हमको बचेगा 3 और 2 में से 1 गया तो 1 और 3013 हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है चलिए हमारा अगला प्रश्न है दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी और उनका एलसीएम 12 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे दोनों संख्याएं होंगी 12 ए और 12 बी। अब क्या हो रहा है कि 12 से बी भी बड़ा होना चाहिए और बी से ए बड़ा होना चाहिए, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या का जो है समन्वय क्या होगा, तो भैया हम क्या करेंगे, हम जो है ए 2,1 ले लेंगे, यहाँ ए की वैल्यू 2 है जो कि 1 से बड़ी है और क्योंकि हम यहाँ पर 12 का गुणा करने वाले हैं इसलिए ये दोनों संख्याएं 12 से भी बड़ी होंगी, तो 12 दोने 24 और 12 एकम 12 मतलब जो है ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक कोई भिन्न है, अब भिन्न है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं भिन्न को, ए बटे बी के फॉर्म में लिख देते हैं, उसमें अंश में अंश ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर को बोलते हैं, तो अगर अंश में 4 घटा दिया जाए मतलब a माइनस 4 कर देंगे और हर में 1 जोड़ दिया जाए मतलब b प्लस 1 कर देंगे, तब क्या हो रहा है, तब वो जो 1/6 हो जाता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को जो है हम थोड़ा सा अपने लिए इजी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 6×24 बराबर b प्लस 1, ठीक है। ये हमारा पहला रिलेशनशिप हो गया, आप इसको a बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि उसी अगर उसी भिन्न में अगर अंश में 2 जोड़ दें, चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि जो है आसानी हो, तो क्या बोल रहा है कि उसी भिन्न में अगर अंश में हम 2 जोड़ दें और हर में हम लोग कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, तो ये संख्या कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, तो यहां पर हो जाएगा देखिए 3a प्लस 6 इज इक्वल टू बी प्लस 1। अब हमको क्या करना है, हमको जो है कुल मिला के ये करना है कि इन दोनों संख्याओं में से किसी भी एक अननोन वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा ये 3 वाला जो है यहां पर 2 का गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6a-12 बराबर 2b+2, ठीक है। और यहां हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 6a-24 बराबर b+1। अगर हम इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा ये 6a और 6a कट जाएंगे, यहां पर मिलेगा हमको 36 और ये किसके बराबर हो जाएगा b+1 के, मतलब b की वैल्यू हमको क्या मिल गई 35 मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, हमको जो है भाई a भी निकालना है ना, तो इसी इक्वेशन में जो है आप a डाल के देखिए, तो यहां पर हो जाएगा देखिए 3a-6 बराबर b की वैल्यू 35 है तो 35 और 1 36 हो जाएगा, तो ये देखिए ये 6 जो है इधर जाके तो यहां पर मिल जाएगा 3a-30 और a की वैल्यू हमको मिल गई 10। अब हमसे क्या पूछ रहा है,
इन दोनों संख्याओं का अगर हम जो है एलसीएम निकालेंगे, मतलब किसका किसका, हमको एलसीएम निकालना है 35 का और 10 का, तो अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 5 सत्ते 35 होता है, और 5 दूने 10 होता है, 5 गुना 2 गुना 7 करेंगे तो हमको मिलेगा 70, और ये हमारा एलसीएम निकल गया। ये ही हमसे पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या है देखिए। अब ये जो है, जब आप लोगों ने पहला वीडियो देखा था तब हम लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर जो है महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। अब एचसीएफ होता है तो अगर दोनों संख्या इस फॉर्म में लिखी हो तो हम जो है किसी भी संख्या की न्यूनतम घात को पकड़ते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात 5 है, तो इन दोनों में से हमारे काम का कौन सा है, 2 की घात 3 है, क्योंकि वो दोनों में है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 की घात 10 है और यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो ये हमारा काम का है। यहाँ पर 5 है लेकिन इधर 5 नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, और यहाँ 7 है उधर 7 नहीं है, क्यू में 7 नहीं है, सॉरी पी में 7 नहीं है, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3, ये हमारा 3 गुणा 2 की घात 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न में जो है क्या पूछ रहा है, फिर से एचसीएफ पूछ रहा है। अब यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात 5 है, हमको मिनिमम घात कौन सी दिखाई दे रही है, हमको मिनिमम घात दिखाई दे रही है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 की 3 की घात 10 है और यहाँ 3 की घात 1 है, इसमें मिनिमम घात क्या है, 3 की घात 1। अरे हम लोग तो इसको देख चुके हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए हमसे एलसीएम पूछ रहा है अब, और एलसीएम में क्या करते हैं, हम बड़ी घात पकड़ते हैं। तो बड़ी घात पकड़ते हैं तो क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है 2 की घात 5 है और यहाँ क्या है 2 की घात 7 है, इनमें से बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 7। तो एलसीएम जब निकालना हो तो बड़ी घात पकड़ो। इसी तरीके से 3 की बड़ी घात क्या है, 10 है, यहाँ पर 5 नहीं है लेकिन 5 की बड़ी घात क्या है, 1 है, मतलब ये 5 भी है और ये 7 भी है, तो हमारा एलसीएम निकलेगा 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5 गुणा 7। एलसीएम और एचसीएफ के अंतर को समझने के लिए ये जरूरी है। अगर आप जो है इसमें और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हमारा पहला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, और हमको क्या मिला, हमको मिला 2 की घात 7 3 की घात 10 5 और 7, मतलब ए हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए। अगला प्रश्न कहता है m बराबर कितना है, 2 की घात 5 3 की घात 10 5, और निकालना हमको क्या है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। तो यहाँ पर छोटी घात पकड़ेंगे, 2 की छोटी घात यहाँ 5 में है, ठीक है, 2 की छोटी घात 5 में है, और 3 की छोटी घात 3 की घात 2 है, 5 यहाँ अकेला है 7 यहाँ अकेला है, इन दोनों को छोड़ देंगे, तो हमारे पास में बचा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 5, ये हमारा सी हमारा सही उत्तर होगा। इसी तरीके से अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में हमको पूछना है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी वाली घात वाली संख्या को पकड़ते हैं। 2 की घात 2 यहाँ पर बड़ी है, उसके बाद में 3 की घात 3 यहाँ पर बड़ी है, और क्योंकि 5 भी है और एलसीएम निकालना है तो 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 11 भी लेंगे और 13 भी लेंगे। तो देखिए 2 की घात 2 3 की घात 2 3, 2 की घात 2 3 की घात 3, 5 7 11 13, मतलब डी हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब ये इसके बाद में ये जो आखिरी प्रश्न है हमारी सीरीज का, यहाँ पर जो है हमको एक तो चीज समझनी है, और वो क्या है, आप लोगों ने जब रूल्स देखे होंगे तो रूल्स में जो है ये चीजें जो है मैंने मेंशन की है। एक बार हम जो है और इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई संख्याएं, दो संख्याएं ए बाय बी और सी बाय डी इस फॉर्म में हैं, और अगर हमको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं या जो न्यूमरेटर या अंश वाली संख्याएं हैं, हम उनका एलसीएम निकालेंगे, मतलब ए और सी का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और फिर जो है बटे में ये जो डिनोमिनेटर है बी है और डी है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल देंगे। तो
यहां पर जो है इस तरीके से हल करना है। आप बताइए 11 और 33 का एलसीएम कितना होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 11 से भी और 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी संख्या तो 33 ही है, इसलिए हमको ऊपर मिल गया 33। अब नीचे देखिए 9 और 8 के बीच में मिनिमम गैप कितना है, एक, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एक, तो 33/1, और ये जो है हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, कितना, 33/1, यहां पर जो है इसकी बजाय एक होना चाहिए, तब हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। आज जो है यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का जो सीरीज है वो खत्म हो रहा है, लेकिन जो है अभी भी आप वेट कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वहां पर भी जो है हमको 80-90 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। हम सारे के सारे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हम जो भी सीख रहे हैं वो अच्छी तरीके से सीख सकें और एग्जाम की मेंटालिटी को समझ के, एग्जाम की जरूरत को समझ के अपनी पूरी तैयारी में रहें। अगर आपको जो है हमारे इन सारे जो है मटेरियल्स का क्या चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन 33/1 है, जबकि पिछले में 33/8 हो गया, तो यहाँ मिस्टेक है, असली ऑप्शन जो है यहाँ पर 33/1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है एग्जाम की पूरी तैयारी जो है आप इसी तरीके से कर रहे होंगे, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर जो है अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप जो है ये वीडियोस फेसबुक या कहीं और देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद।